क्या तेल में होने वाली मिलावट के कारण आप खा रहे हैं बिना तेल का खाना? मिलावटी तेल से होने वाले हेल्थ इश्यूज को देखते हुए आपने पूरी पराठे बनाना तो जैसे बंद ही कर दिया है। क्या आप मानेंगे अगर मैं आपसे कहूं कि आप अपने परिवार को पूरी पराठे और उनकी पसंद का खाना खिला सकती है, वो भी बिना उनकी हेल्थ को नुकसान पहुंचाए? यकीन करना मुश्किल है ना, लेकिन अब ये मुमकिन है वंश कोल्हू प्योर सरसों कच्ची घानी ऑयल के साथ। वंश कोल्हू सरसों का तेल किसी मशीन से नहीं बल्कि पुरानी तकनीकी में लकड़ी के कोल्हू से निकाला जाता है, जिससे इसके पोषक तत्व कम ना हो और इसमें कोई मिलावट भी नहीं है। ये है 100% शुद्ध सरसों का तेल। तो अब रोज बनाइए अपने परिवार के लिए उनकी पसंद का खाना वंश कोल्हू प्योर सरसों कच्ची घानी ऑयल के साथ। वंश कोल्हू, तेल सही मिलेगा यहीं। मैन्युफैक्चर्ड एंड मार्केटेड बाय वंश एडिबल्स प्राइवेट लिमिटेड, 6MI हुसैनगंज सीतापुर UP भारत, पिन 261125। In the quiet of the golf course, I learn more than a game. I learn about focus, success, and the sweet taste of victory. Singhania Educational Institute, cultivating knowledge. नमस्कार दोस्तों, आपने देखना शुरू कर दिया है आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर, और आज बात करेंगे उत्तर प्रदेश के उस लोकसभा क्षेत्र की जहां पर अब तक 17 बार चुनाव हो चुके हैं लेकिन सिर्फ और सिर्फ 2 बार ही भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली है। 1 बार लोकदल को भी जीत मिली है लेकिन अन्य सभी बार यानी 17 बार चुनाव हुए, 2 बार भारतीय जनता पार्टी और 1 बार लोकदल, और 14 बार जो बचते हैं वहां पर सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस को जीत मिलती है। जी हां, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि हम किस लोकसभा क्षेत्र की बात कर रहे हैं। दरअसल हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के रायबरेली लोकसभा क्षेत्र की, और वो रायबरेली लोकसभा क्षेत्र जो कांग्रेस का गढ़ माना जाता है, हालांकि पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि यहां से सोनिया गांधी ने पहले ही चुनाव न लड़ने का फैसला कर लिया। सोनिया गांधी राज्यसभा जा चुकी हैं और ऐसे में सोनिया गांधी का पत्र पिछले दिनों जब सार्वजनिक हुआ तो उसके बाद लोगों का लगाव कांग्रेस के प्रति यहां पर कुछ अलग दिखाई दिया। कारण यह था कि दरअसल यहां पर गांधी परिवार का रिश्ता गहरा रहा है रायबरेली से। अब ऐसे में रायबरेली फतेह करने के लिए भारतीय जनता पार्टी 2 विकेट वहां पर समाजवादी पार्टी के बड़े गिरा चुकी है। अब समाजवादी पार्टी के और विकेट गिराने की तैयारी में है, लेकिन प्रत्याशी कौन होगा, मुकाबला कौन करेगा, ये बड़ा सवाल यहां पर अभी भी बना हुआ है। बड़ी तेजी से हवा चली कि भारतीय जनता पार्टी ने समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता और अखिलेश यादव के वफादार सबसे ज़्यादा माने गए मनोज पांडे को पार्टी में शामिल कर मनोज पांडे को लोकसभा का यहां से टिकट देगी, लेकिन बहुत कम उम्मीद है कि यहां पर मनोज पांडे चुनाव लड़ें। सूत्रों का कहना है कि मनोज पांडे ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया है और वो हाल फिलहाल जैसा बताया जा रहा है जो मंत्रिमंडल का विस्तार होने जा रहा है उसमें वो मंत्री बनाए जा सकते हैं। दूसरी तरफ राकेश प्रताप सिंह समाजवादी पार्टी के MLA और बहुत ही सक्रिय रहते थे, अमेठी से MLA हैं, ऐसे में उन्होंने भी समाजवादी पार्टी को एक समान छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करना शुरू कर चुके हैं। तो ये दोनों शक्तियां मिलकर क्या रायबरेली में कोई गुल खिला पाएंगी, चूंकि ये सवाल उठने लगे हैं। लेकिन उससे बड़ा सवाल ये है कि आखिर रायबरेली से अब लड़ेगा कौन, चूंकि सोनिया गांधी पहले ही ऐलान कर चुकी हैं, उनका निर्णय हो चुका है। तो ऐसे में क्या प्रियंका गांधी यहाँ से चुनाव लड़ेंगी? सबकी निगाहें इस पर लगी हुई हैं और ज़्यादातर उम्मीद यही जताई जा रही है कि प्रियंका गांधी यहाँ से चुनाव लड़ेंगी।
अब प्रियंका गांधी को टक्कर कौन देगा, इस पर लोग जानना चाह रहे हैं। तो आपको बता दें कि प्रियंका गांधी को टक्कर देने के लिए कुमार विश्वास का नाम सामने आ रहा है। वो कुमार विश्वास जो कुछ दिनों पहले तक भारतीय जनता पार्टी के लिए उनकी कविताएं होती थी, उनके खिलाफ कविताएं होती थी, लेकिन धीरे धीरे वो भी मोदी मय हो चुके थे। और पिछले दिनों रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में वो काफ़ी सक्रिय दिखाई दिए, और उस दौरान ये माना गया कि राज्यसभा सदस्यों की जो सूची जारी होगी उसमें कुमार विश्वास का नाम होगा भारतीय जनता पार्टी की ओर से, लेकिन उनका नाम नहीं आया। अब ऐसे में ये बताया जा रहा है कि कुमार विश्वास चुनाव लड़ सकते हैं और रायबरेली से। वो इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि कुमार विश्वास अमेठी से चुनाव लड़ चुके हैं प्रियंका गांधी के खिलाफ, उस समय लड़े थे जब आम आदमी पार्टी से उनका चुनाव हुआ था, हालांकि चुनाव वो हार गए थे। तो ऐसे में कुमार विश्वास का नाम बहुत तेजी से आ रहा है कि अगर प्रियंका गांधी यहाँ से चुनाव लड़ती हैं तो उनसे उनका मुकाबला होगा। तो एक तरफ मनोज पांडे का नाम चला, अब दूसरी तरफ बहुत तेजी से कुमार विश्वास का भी नाम सामने आने लगा, और तीसरा नाम नूपुर शर्मा का भी यहाँ पर आ निकला है। वो नूपुर शर्मा जो विवादों से जिनका नाता रहा है, जिन्होंने विवादित बयान दिया था पिछले दिनों, और उसके बाद नूपुर शर्मा एक समान विलुप्त सी होती जा रही थी, लेकिन फिर से एक बार नूपुर शर्मा को यहाँ लड़ाए जाने की बात कही जा रही है। अब इसी बीच एक नाम और आ गया, लेकिन उसमें सच्चाई इसलिए नहीं है बहुत ज़्यादा, लेकिन चर्चा में है कि सुधांशु त्रिवेदी को भी भारतीय जनता पार्टी यहाँ लड़ा सकती है। सुधांशु त्रिवेदी अभी राज्यसभा के सदस्य नामित हुए हैं। तो कुल मिलाकर रायबरेली का जो रण है वो कांग्रेस की सोनिया गांधी इस बार वहाँ नहीं होंगी, लेकिन हर कोई ये जानना चाह रहा है क्या गांधी परिवार से कोई आएगा। तो प्रियंका गांधी का नाम बहुत तेजी से रायबरेली के लिए आ निकला है कि प्रियंका गांधी यहाँ पर आ सकती हैं। अब प्रियंका गांधी को टक्कर देने के लिए भारतीय जनता पार्टी यहाँ रणनीति बनाने में जुटी हुई है। हमने आपको पहले ही बताया कि 17 बार यहाँ पर लोकसभा के चुनाव हो चुके हैं, जिनमें से सिर्फ और सिर्फ 2 बार भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर जीत मिली है, 1 बार लोकदल को, बाकी कांग्रेस पार्टी ही लगातार जीतती आई है। एकमात्र ऐसी सीट उत्तर प्रदेश की रही पिछले 2019 के चुनाव में जहाँ पर कांग्रेस पार्टी को जीत मिली थी, बाकी सारी सीटों पर कांग्रेस पार्टी हार गई थी। यहाँ तक कांग्रेस के नेता राहुल गांधी अमेठी से चुनाव हार गए थे। तो आप अंदाज़ा लगा सकते थे कि मोदी लहर कितनी हावी थी। हालांकि रायबरेली में यहाँ पर कांग्रेस को भारतीय जनता पार्टी नहीं हरा पाई थी। अब देखना होगा कि रायबरेली में भारतीय जनता पार्टी किस दमदार प्रत्याशी को लाती है, किसे लड़ाती है। फिलहाल जो अंदर खाने की खबर आ रही है कि मनोज पांडे को यहाँ भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी नहीं बनाने जा रही। मनोज पांडे खुद मना कर चुके हैं, और मनोज पांडे जो है प्रदेश सरकार में मंत्री बनना चाहते हैं, लिहाजा उनका मंत्री बनने का इरादा है। और ऐसे में यहाँ पिछड़ी जाति से कोई मजबूत प्रत्याशी तलाशा जा रहा है। इस बीच चर्चाएं ये हैं कि मजबूत प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी उतारे, उससे पहले वहाँ कुछ ऐसे विधायक जो गैर दलों के हैं उनको पार्टी में तोड़ने का प्रयास करेगी, ताकि उससे उन्हें बल मिल सके। अब देखना होगा कि इस बार जैसे अमेठी का रण पिछली बार भारतीय जनता पार्टी ने जीत लिया था, क्या रायबरेली में भी कोई खास करिश्मा कर पाएगी, ये इस पर नज़र रहेगी। लेकिन हम आपको जल्दी से ये बता देते हैं कि यहाँ पर दरअसल जब पहली बार चुनाव हुआ 1957 में, तो फिरोज गांधी कांग्रेस से यहाँ पर एमपी बनते हैं, और उसके बाद 1960 में उपचुनाव होता है और आरपी सिंह यहाँ पर कांग्रेस के फिर से सांसद बन जाते हैं। बैजनाथ कुरील ये भी कांग्रेस से यहाँ पर सांसद बनते हैं, और फिर लगातार आपको बता दें 2 बार इंदिरा गांधी यहाँ पर कांग्रेस से सांसद चुनी जाती हैं। बीच में राज नारायण जो लोकदल से चुनाव जीतते हैं, बहुत चर्चा का विषय रहा है राज नारायण का जीतना जब इंदिरा गांधी चुनाव हारती हैं उनसे, तो इमरजेंसी का वो काल होता है, दौर होता है 1977 जब राज नारायण इंदिरा गांधी को हराकर यहां पर लोकदल से चुनाव जीतते हैं। लेकिन अगले बार
ही इंदिरा गांधी फिर बदला ले लेती है, इंदिरा गांधी यहाँ पर चुनाव जीत जाती हैं, फिर अरुण कुमार नेहरू यहाँ से चुनाव जीतते हैं, फिर दोबारा अरुण कुमार नेहरू चुने जाते हैं दो बार, और इसके बाद शीला कौल दो बार यहाँ पर जो है कांग्रेस से सांसद चुनी जाती हैं। लेकिन इसी इसके बाद भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर दो बार लगातार चुनाव जीतती है, वो होते हैं अशोक सिंह, ये 1996 और 1998 की बात है, और वो दौर होता है पंडित अटल बिहारी वाजपेयी का। उस समय अशोक सिंह यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी से सांसद चुने जाते हैं, और फिर कैप्टन सतीश शर्मा, ये भी गांधी परिवार के बेहद करीबी, ये यहाँ से सांसद चुन लिए जाते हैं। और इसके बाद लगातार पांच बार से सोनिया गांधी रायबरेली से सांसद चुनी जाती आ रही थी, लेकिन इस बार खराब स्वास्थ्य के कारण सोनिया गांधी राजस्थान से राज्यसभा के लिए नामित हो गई, और ये जो गहरा रिश्ता यहाँ से रहा, अब लोग इस पर नज़रें गड़ाए हुए हैं कि गांधी परिवार का कोई सदस्य इस रिश्ते को आगे भी ले जाएगा या यहीं से ये रिश्ता टूट जाएगा। फिलहाल चर्चाएं ये हैं कि प्रियंका गांधी अपनी माँ की विरासत को आगे बढ़ाने के लिए रायबरेली से चुनाव लड़ने के लिए आएंगी, और उनसे मुकाबला करने के लिए भारतीय जनता पार्टी कोई दमदार प्रत्याशी की तलाश में है। तो बने रहिए आई इंडिया के साथ, जैसे ही यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी का कोई नाम आता है, सबसे पहले आई इंडिया आप तक पहुँचाने का काम करेगा। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।